आज हम आपको ABPS न्यूज टीम के साथ जनपद सहारनपुर के ब्लॉक सरसावा में स्थित कादरगढ़ गांव में लेकर चलते हैं। लगभग 1500 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 21 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 6 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान देवेंद्र सिंह हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वर्तमान प्रधान ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत गाँव में 85 शौचालयों का निर्माण कराकर पात्रों को वितरित किए हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गाँव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 41 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो विद्यालय में शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, स्कूल व आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय तथा मिट्टी भराव कार्य भी करवाया है। वहीं पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 17 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 5 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं बात अगर विद्युत व्यवस्था की जाए तो गांव में 40 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व लगभग 52 सोलर लाइट वर्तमान प्रधान द्वारा लगवाई गई हैं। ABPS न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी रोड, स्वास्थ्य केंद्र, जूनियर हाई स्कूल, पंचायत भवन, बारात घर, खेल का मैदान, शमशान घाट की बाउंड्री तथा तालाबों के सौंदर्यकरण के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। देवेंद्र प्रधान, ग्राम कादरगढ़, ब्लॉक सरसावा। मुझे अपने गाँव में नाड़ा, एक खड़ंजा, 40 पेड़ लगवाया मुझे वायु प्रदूषण रोकने के लिए, जब बचा हुआ वायु प्रदूषण पर, और स्कूल में खड़ंजा, और 2 शौचालय, 2 आंगनबाड़ी में शौचालय, 85 शौचालय गांव में, ये काम करवाया उसको, 1100 ऊर्जा लाइट और 40 स्ट्रीट लाइट। हमारे गांव में जो कच्चे रास्ते हैं ना, पानी भर जाता है, इसलिए हमें सीसी रोड और सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र कोई सुविधा नहीं है। और हमारी लड़की जब हमारे गांव में एक जूनियर हाई स्कूल चाहिए, प्राइमरी स्कूल जैसा कोई स्कूल नहीं है, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो सरकार की सहायता से जो सरकार का वो है ना, हमारे बच्चे बाहर नहीं जा सकते, दूर स्कूल पढ़ते हैं काफ़ी हमारी लड़कियाँ। हमारे गांव में कोई बारात घर नहीं है, जूनियर हाई स्कूल नहीं है, और बच्चों के खेल मैदान के लिए लड़के जो खेल सकें मैदान चाहिए, शमशान घाट का रोड चाहिए, शमशान घाट चार दीवारी चाहिए, और तालाब का सौंदर्यीकरण चाहिए। मैं नितिन कुमार, निवासी गांव कादरगढ़। हमारे जो प्रधान जी हैं देवेंद्र सिंह, गांव में उन्होंने बहुत अच्छे विकास कार्य कराए हैं, और हम ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम में भी वही प्रधान बने। उन्होंने गांव में बहुत सड़कें बनवाई हैं और खड़ंजे लगवाए हैं और सोलर लाइट लगवाई हैं, स्ट्रीट लाइट लगवाई हैं, बहुत विकास कार्य कराए हैं। उसके साथ साथ 85 शौचालय भी बनवाए हैं उन्होंने, और वो हर वर्ग को अपने साथ लेकर चलते हैं।